भारत ने G20 का सफल आयोजन कर दुनिया को एक तरफ ये बता दिया कि भारत अब वैश्विक तौर पर कितना समृद्धशाली हो चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को कोस रहे हैं। इधर पीओके से लगातार भारत में विलय की मांग उठ रही है। पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान उबाल मार रहा है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हजारों लोग सड़कों पर हैं। फिजा में चलो चलो कारगिल चलो के नारे भी बुलंद हैं। विरोध के नाम पर जिस तरह लोग उग्र हैं, किसी भी क्षण वहां स्थिति गंभीर होने की भी स्थिति बन चुकी है। लोग महंगाई और रोजमर्रा के खाने पीने की सामान की बड़ी तादाद में कमी से परेशान है। इसी बीच केंद्र में मोदी सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। वहीं इसके जवाब में शिवसेना उद्धव गुट की ओर से नेता संजय राउत ने कहा कि हमने हमेशा सपना देखा कि अखंड भारत हो। हम हमेशा कहते हैं कि पीओके हमारा है, लेकिन जब पूर्व सेना प्रमुख पद पर थे तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी फिर इसे अपना बनाने के लिए। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर इस दिशा में कोई प्रयास किया जाता है तो हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांतिपूर्ण बनाए। चीन मणिपुर तक पहुंच गया। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने लद्दाख में प्रवेश किया है और हमारी जमीन ले ली है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन अपने नक्शे पर दिखा रहा है। पहले इसे खत्म करें, उसके बाद पीओके अपने आप ही भारत में विलय हो जाएगा। ऐसा होने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाए? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की, आपने देखा हो, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। लेकिन लगातार राज ठाकरे जी को शिवसेना को हिंदुत्व की याद दिला दे रहे हैं वो, और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का हर बार जिक्र हो रहा है। जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है, वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। शिवसेना की स्कूल जो है हिंदुत्व की, वो ओरिजिनल स्कूल है।